डिजीज ऑफ यूरिथ्रा उसमें हमारी पहली डिजीज आती है दैट इज यूरिथ्राइटिस यूरिथ्राइटिस क्या होता है नाम से पता चल रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा इज नोन एज यूरिथ्राइटिस देर इज नो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इसमें क्या हो रहा है यूरिनरी जो ट्रैक है उसमें कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी नहीं हो रही जस्ट जो यूरिथ्रा है उसका इन्फ्लामेशन होता है कॉजिस क्या हो सकते हैं इसके अनहाइजीनिक इन्फेक्शन फ्रॉम द एनसिया पेरेनियम वहां से इन्फेक्शन आ गया हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से या फिर जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो ई e. कोलाई भी हो सकता है क्लेब्शियला प्रोटियस हो सकता है या फिर एक्सटर्नल ट्रोमा हुआ हो यूरिथ्रा का ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन या कैथेटराइजेशन बहुत टाइम से अगर किसी पेशेंट को आप करके रखते हैं तो यूरिथ्राइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं या फिर जो इंस्ट्रूमेंटेशन किया या कैथेटराइज किया कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो उसके यूरिथ्रा से क्रॉस हुआ अगर आपने पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशन जो है वो मेनटेन नहीं किए उसकी वजह से यूरिथ्रा की इंफ्लामेशन हो सकती है क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इरिटेटिव वर्डिंग सिम्टम्स आते हैं लाइक अर्जेंसी ऑफ मिक्स्यूरेशन यानी पेशेंट को अर्जेंट नीड होती है कि उसको जो वो यूरिनेट करना है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की डिस होगा यानी यूरिनेशन के टाइम पे पेशेंट को पेन होगा पेन रेफर्ड पेन भी हो सकता है पेल्विक रीजन में फीवर हो सकता है पेशेंट को एंड देन बर्निंग सेंसेशन डायग्नोस कैसे करेंगे आप यूरिन जो है वो उसका रूटीन और माइक्रोस्कोपिक या यूरिन कल्चर कराएंगे ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू जो कल्चर रिपोर्ट आप कराएंगे उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स चलेंगी पेशेंट को और बाकी जो है जो कॉजे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट और जो भी सिम्टम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर फीवर आ रहा है पेशेंट को तो आप एंटीपायरेटिक्स देंगे पेन है तो एनल जेसिक साइंटिस्ट देंगे और लोकली उसको जो है वो हाइजीन मेंटेन करने को पेशेंट को बोलेंगे तो ये हमारा टॉपिक था यूरिथ्रा इट इज मींस इंफ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा इसमें जो हमारी यूरिनरी ट्रैक है उसमें कोई स्ट्रक्चर या नहीं होती फिर हमने बात किस की की देन क्लिनिकल फीचर फिर उसके बाद आप इसको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए बोलोगे देन ट्रीटमेंट ठीक है तो ये हमारा टॉपिक हो गया यूरिथराइटिस डिजीज ऑफ यूरिथ्रा में रप्चर ऑफ यूरिथ्रा रप्चर ऑफ यूरिथ्रा से पहले आपको यूरिथ्रा जो हमारा होता है पहला है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा देन एंड पेनाइल पेनाइल को हम बल्बर यूरिथ्रा भी बोलते हैं देखिए नाम के अकॉर्डिंग है आपको पूरा एनेटमिकली पता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है मेल्स की बात करें तो प्रोस्टेट होता है देन उसमें प्रोस्टेट से भी तो क्रॉस होगा तो जो प्रोस्टेटिक प्रोस्टेट से जो क्रॉस हो रहा है यूरिथ्रा दैट इज प्रोस्टेटिक फिर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा आता है फिर जो पेनिस में है यानी पेनाइल यूरिथ्रा या फिर बल्बर यूरिथ्रा उसको बोलते हैं तो आपको ये क्यों पता होने चाहिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रप्चर ऑफ यूरिथ्रा तो रप्चर ऑफ यूरिथ्रा को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं रप्चर ऑफ बल्बर यूरिथ्रा और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा ठीक है तो रप्चर ऑफ बल्बर यूरिथ्रा की अगर हम बात करें यानी जो पेनाइल यूरिथ्रा है वो कब रप्चर होगा इट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व यूरिथरल इंजरी मोस्ट कॉमनली यही यूरिथरल इंजरी देखने को मिलेगी इन दिस कंडीशन द यूरिथ्रा गेट एंगुलेटेड इन द पेरिनियम वेयर इट गेट इंजर्ड जो पेरिनियम है वहां पे कहीं यूरिथ्रा एंगुलेटेड हो गया जिसकी वजह से इंजरी होगी क्लिनिकल फीचर इसके क्लिनिकल ट्रायड तीन मिलते हैं जो आपको याद होने चाहिए रप्चर ऑफ बल्बर यूरिथ्रा में क्या क्या मिलेगा पेरिनियल हेमेटोमा मिलेगा फर्स्ट दूसरा यूरिथ्रल हेमरेज मिलेगी तीसरा डिस्टेंडेड ब्लैडर, तीन इंपॉर्टेंट है ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा यूरिथ्रा में से हेमरेज होगी और पेरिनियल जो एरिया है वहां पे हेमेटोमा बनेगा ठीक है फिर हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को जो वो एडवाइज करेंगे कि वो यूरिन पास ना करे और उसको जो वो ओटी में ले जाके यानी ओटी के अंडर ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशन को में, मेंटेन करते हुए कैथेटराइज आप पेशेंट को करेंगे ठीक है और जो पेरियन हैमेटोमा बना है, उसको ड्रेन करना है और एमरजेंसी के तौर पर सुपरा प्योबिक कैथेटराइजेशन पेशेंट को कर सकते हैं टू ड्रेन द यूरिन एंड देन रिपेयर करते हैं फिर उस यूर तरह की

लीडिंग टू फ्लोटिंग प्रोस्टेट क्या होगा जैसे मेनली जो ये हमारा मेम्ब्रेनस है इसका रप्चर देखने को मिलेगा मेजर अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर जो पेल्विक बोन है उनमें फ्रैक्चर हो गया वो डिस्टर्ब हो गई सिम्फाइसिस फ्यूबिस का फ्रैक्चर है प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट है वो एवर्जन हो गया उसका तो उस वजह से ये देखने को मिलेगा कि जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है वो रप्चर हो गया यानी मेजरली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इतना ज्यादा जो वो यूरिथ्रा रप्चर होगा पेनाइल यूरिथ्रा तो अगर पेरिनियल एरिया में कहीं एंगुलेटेड हो गया तभी भी इंजर्ड हो सकता है लेकिन मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा मोस्टली ये देखने को मिलता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर हुआ हो जो हमारा रप्चर है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा का उसको हम सब डिवाइडेड करते हैं तीन पार्ट में पहला है कंप्लीट ट्रांसेक्शन यानी बिल्कुल ही अलग हो गया मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो सकती है या तो जिसमें क्या होगा फ्लोटिंग ब्लैडर आपको देखने को मिलेगा या फिर पर रेक्टल अगर ऐसे पेशेंट की आप एग्जामिनेशन करेंगे तो फ्लोटिंग प्रोस्टेट देखने को मिलेगा ठीक है जिसको वर्मोटन साइन बोलते हैं वी ई आर एम ओ ओ टी ई एन एस वर्मोटन साइन यानी पर रेक्टल जब आप एग्जामिनेशन करेंगे ऐसे पेशेंट की तो फ्लोटिंग प्रोस्टेट देखने को मिलेगा देखिए जो भी यूरिन है वो सारा अंदर ही ड्रेन हो जाएगा तो प्रोस्टेट उसका आप क्या फ्लोटिंग आपको लगेगा जब आप रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे दूसरा इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन थर्ड है हमारा एसोसिएटेड विद इंजरी ऑफ द ब्लैडर यानी यूरिथ्रा की इंजरी के साथ साथ ब्लैडर की भी इंजरी हुई है तो तीन तरीके से जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा उसका रप्चर हो सकता है तो कंप्लीट ट्रांसैक्शन इनकम्प्लीट एंड एसोसिएटेड इंजरी टू द ब्लैडर क्लिनिकल फीचर की बात करें हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा तो मिलेगा ही मिलेगा जैसे हमने बोला मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा मिलेगा हेमेचूरिया होगा पेशेंट को और अगर ज्यादा सीवियर हैमरेज हो गई तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है सुपरा प्यूबिक टेंडरनेस मिलेगी इस पेशेंट की अगर आप पर एक्टल एग्जामिनेशन करते हो जैसा हमने बताया तो फ्लोटिंग प्रोस्टेट देखने को मिलेगा आपको फील होगा डायग्नोसिस कैसे करें आपको एक्सरे कराना है प्यूबिक बोन का या एसेंडिंग यूरिथ्रोग्राफी करा सकते हैं या फिर वेसाइकोसिस्टो यूरिथ्रोग्राम वी सी यू जी यानी वेसाइको सिस्टो यूरिथ्रो ग्राम कराते हैं नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट आप क्या करें इसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है पेशेंट को अगर जो सीवियर हैमरेज होगी ना हमने बोला रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ज्यादातर देखने को मिलेगा तो सीवियर अगर हैमरेज हो गई है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं कैथेटराइज करते हैं पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी करेंगे और क्या करते हैं बाकी जो जो भी रक्चर है उसको रिपेयर तो करना ही है सर्जिकली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है रक्चरों दो पार्ट में डिवाइड किया रपचर ऑफ बल्बर और रप्चर ऑफ मेम्रेनिथ्रा बल्बर वाले में बिल्कुल सिंपल है की यूरिथरल इंजरी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगी ये कब होगा जब यूरिथ्रा गेट एंगुलेटेड इन दैरियनियम इसके क्लिनिकल ट्रायड तीन है पेरिनियल हेमेटोमा होना यूरिथ्रल हेमरेज होना और डिस्टेंडेड ब्लैडर इसका सिंपल हमने ट्रीटमेंट पढ़ा देन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा ये आपको बताना पड़ेगा कि क्यों होगा कब देखने को मिलेगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इसमें पेल्विक बोन या पेल्विक बोन का फ्रैक्चर हो गया सिंफाइसिस प्यूबिस का फ्रैक्चर हो गया विद एवल्जन ऑफ प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट जिसकी वजह से ये जो है वो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा रप्चर हो गया क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे या तीन टाइप कौन से है कंप्लीट हो गया ट्रांस बिल्कुल ही या फिर इनकम्प्लीट है या फिर एसोसिएटेड इंद्री इंजरी है ब्लैडर की भी पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आएंगे कैसे आप डायग्नोस करोगे उसका ट्रीटमेंट देन कॉम्प्लिकेशन की हमने बात की तो ये टॉपिक है हमारा रप्चर ऑफ यूरिथ्रा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की इसको आप जो है वो लिख सकते हैं मूत्र प्रसेक संकोच के नाम से भी हो सकता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है नैरोइंग ऑफ द यूरिथ्रा जो यूरिथ्रा है उसकी नेरोइंग हो जाना विच इज कॉज्ड बाई ड्यू टू इंजरी इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी कॉज जिसकी वजह से यूरिथ्रा की नैरोइंग हो रही है उसको हम बोलते हैं यूरिथरल स्ट्रक्चर कॉजेज क्या हो सकते हैं कंजेनाइटल भी हो सकता है यूरिथरल स्ट्रक्चर दूसरा ट्रोमा की वजह से तीसरा इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन या तो जैसे गोनोकोकल इन्फेक्शन है यानी किसी पेशेंट को गोनोकोकल इन्फेक्शन था तो वो ठीक हो गया लेकिन एज अ कॉम्प्लिकेशन यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है या फिर टीबी के पेशेंट में देखने को आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंटेशन नेक्स्ट कॉज है इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब कैथेटराइज या तो आप पेशेंट को कर रहे हो या फिर यूरिथ्रल डायलेटेशन कर रहे हो उसके एज अ कॉम्प्लिकेशन या फिर uh, जो वो ट्रांस यूरिथ्रल जो वो प्रोसीजर्स हैं जो यानी कोई भी ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर जो ट्रांस यूरिथल यूरिथ्रा के थ्रू आप कैरी आउट करते हैं तो उस उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जैसे कि प्रोस्टेक्टमी किसी की, की हो यानी प्रोस्टेट को ए, ए, कट करके निकाला या फिर रिपेयर की हो अगर किसी के यूरिथ्रा की रप्चर हो गया था उसका रिपेयर की रिपेयर के एज अ कॉम्प्लिकेशन बाद में पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में भी देखने को मिल सकता है तो इसके कॉजेज क्या है फर्स्ट इज कंजेटल देन ट्रोमा तीसरा है इन्फेक्शन इन्फेक्शन में गोनोकोकल या फिर टीबी फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब या तो कैथेटराइज किया हो आपने पेशेंट को डायलिटेशन कर रहे हो आप यूरिथ्रा के उस टाइम पे या फिर ट्रांस यूरिथ्रल कोई भी प्रोसीजर किया यानी इंस्ट्रूमेंट आपने इंट्रोड्यूस कराया थ्रू द यूरिथ्रा तो उसकी वजह से नैरोइंग होगी या फिर पोस्ट ऑपरेटिव भी एक कारण हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव में जैसे प्रोस्टेक्टमी या फिर रिपेयर ऑफ रप्चर्ड यूरिथ्रा क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे इसमें ऑन यूरिनेशन देर इज पैसेज ऑफ फ्लेक्स म्यूकोपस है जो पेशेंट पास कर सकता है जब यूरिनेट करता है और एज पेशेंट की आप देखोगे तो ट्वेंटी टू फोर्टी ईयर ऑफ एज मोस्ट कॉमनली आपको इस एज के पेशेंट मिलेंगे यूरिथरल सेक्चर के जो यूरिनरी स्ट्रीम है उस पेशेंट की वो नैरो होगी मे बी डबल यूरिनरी स्ट्रीम होगी टर्मिनल ड्रिबलिंग होगी रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है जो और सुप्रा प्यूबिक पेन होगा पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड मिक्सचुरेशन अब देखिए स्ट्रिक्चर है नैरोइंग हो गई यूरिथ्रा की तो यूरिथ्रा में से तो यूरिन ने क्रॉस होना था अब वो एरिया नैरो हो गया तो क्या हो गया मे बी रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा या फिर प्रोलोंग्ड मिक्चुरेशन मिक्सूरेट करता है पेशेंट तो काफी टाइम तक उसको मिक्सुरेशन करनी पड़ती है और स्ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी टू पास द यूरिन ठीक है यूरिन को पास करने के लिए पेशेंट स्ट्रेन भी करेगा इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक कराएंगे आईवीपी करा सकते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राफी यूरिन फ्लो रेट देखेंगे पेशेंट का क्या कैसा है सिस्टोस्कोपी करा सकते हैं यूरिथ्रोस्कोपी करा सकते हैं और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तो कॉम्प्लिकेशन क्या यूरिथ्रा में स्ट्रिक्चर है मतलब मेन क्या हो जाएगा यूरिन अगर रिटेंड हो रहा है यानी पूरा जो है उसको वो एम्प्टी नहीं हो पाता तो सेकेंडरी स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से तो कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है और रिकरेंट एपिडाइमो ऑर्काइटिस पेशेंट को हो सकता है ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या है लिस्टर डायलेटर्स जो होते हैं उसकी हेल्प से डायलेटेशन करनी यानी जो यूरिथ्रा है उसको डायलेट करना है यानी जो नैरोइंग हो गई है उसको आपने अब डायलेट करना है तो लिस्टर डायलेटर है जो उसका यूज करके आप डायलेटेशन कर सकते हो यूरिथ्रा की या फिर एक्सटर्नल यूरिथ्रोस्टोमी कर सकते हैं या इंटरनल यूरिथ्रोस्टोमी यूरिथ्रल स्ट डाल सकते हैं या यूरिथ्रोप्लास्टी करेंगे अगर इमरजेंसी कंडीशन है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर हुआ है इमरजेंसी कंडीशन है बहुत टाइम हो गया पेशेंट ने यूरिन ही नहीं पास किया तो आप क्या कर सकते हैं प्यूबिक कैथेटराइजेशन पेशेंट की कर सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर में पेशेंट को जब उत्तर बस्ती दे सकते हैं क्षार तेल लवण या मधु से और जात्यादि तेल की बस्ती दे सकते हैं ऐसे पेशेंट को तो ये हमारा टॉपिक है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर दैट इज मूत्र प्रसेक संकोच के नाम से भी पूछा जा सकता है तो पहले आपने इसकी डेफिनेशन बतानी मीन्स नैरोइंग ऑफ यूरिथ्रा विच इज कॉज बाय इंजरी इन्फेक्शन और अदर कॉजेज फिर इसके कॉजेस को एक्सप्लेन करना है कि कंजनाइटल है ट्रॉमा है इन्फेक्शन है इंस्ट्रूमेंटेशन है या पोस्ट ऑपरेटिव एज अ कॉम्प्लीकेशन मिलेगा क्लिनिकल फीचर में हमने बात की कि यूरिनरी स्ट्रीम कैसी होगी डबल होगी या टर्मिनल ड्रिबलिंग रिटेंशन यूरिन होगा या फिर सुप्राप्यूबिक पेन है पेशेंट को प्रोलॉन्ग मिक्चुरेशन है या स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पेशेंट को यूरिनेट करने के लिए फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हमने बताई कि क्या क्या कराएंगे देन कॉम्प्लिकेशन की बात की फिर जो है वो इसका ट्रीटमेंट और फिर हम आयुर्वेद में उत्तर बस्ती उस पेशेंट को दे सकते हैं विद क्षार तेल लवण और मधु और जात्यादि तेल की बस्ती दे सकते हैं